परी के जादुई 8 अजूबे लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, किशनपुर नाम के गांव में दो बहनें आरोही और काजल अपनी माँ शीतल के साथ रहती थी। काजल और आरोही के पिताजी उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और तब से शीतल काजल और आरोही का पालन पोषण करती है। आरोही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल और लाल गुलाबी गाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। वहीं दूसरी तरफ काजल दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि उसका रंग उसके नाम की तरह काला था और उसके गाल पर निशान भी थे, जिस वजह से वो आरोही की तरह सुंदर नहीं लगती थी। लेकिन काजल स्वभाव की बहुत अच्छी थी। बेचारी काजल के काले रंग के कारण उसके साथ उसी के घर में अत्याचार होता था, क्योंकि आरोही की माँ शीतल वो सिर्फ आरोही से ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ शीतल के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल मेरे घर के कपड़े फट गए हैं, इसलिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। आप हर साल में मुझे आरोही के पुराने कपड़े पहनने के लिए ही देती हो, इसलिए इस बार नए कपड़े खरीद दो ना। एक अलमोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तेरी शक्ल के हिसाब से तुझे गंदे और पुराने कपड़े ही पहनने चाहिए। फालतू में तो कपड़े खरीद कर पैसा बर्बाद करेगी। मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं होगी। तभी वहाँ पर आरोही आ जाती है और आरोही शीतल से कहती है, माँ, मैंने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो जल्दी से मुझे 3000 रुपए दे दीजिए। मुझे सबसे अच्छा लहंगा और मेकअप किट लेकर आनी है, जिससे पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लगूं। और मुझे अपना फेशियल और पेडीक्योर भी करवाना है। क्यों नहीं मेरी लाडली बेटी, मैं तुझे अभी 5000 रुपए दे देती हूँ, जिससे तुझे पैसों की कमी महसूस ना हो। और फिर तू तो है ही इतनी सुंदर, तेरी सुंदरता को देखकर ही तो मैं जिंदा हूँ। तेरी सुंदरता के आगे तो चांद भी फीका लगता है। ऐसा कहकर शीतल आरोही को 5000 रुपए दे देती है और ये देखकर काजल वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एनुअल फंक्शन का दिन आ जाता है। काजल के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे, वो पुराने कपड़े पहनकर ही एनुअल फंक्शन में जा रही होती है। वहीं आरोही बहुत सुंदर लहंगा, झुमके और सैंडल पहनकर एनुअल फंक्शन में जाती है। काजल और आरोही स्कूल पहुंच जाती है। तभी स्कूल की कुछ लड़कियां काजल को देखकर हंसते हुए कहती है, अरे आरोही, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और वहीं तुम्हारी ये सगी बहन पुराने कपड़े पहनकर ही एनुअल फंक्शन में आ गई है। सच में आरोही, आज तो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और वहीं तेरी ये बहन ऐसी लग रही है कि तू अपने साथ काला तिल को लेकर आई है, ताकि तुझे किसी की नजर ना लग जाए। अब यार मैं तुझे क्या बताऊं, कभी कभी तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये कलमोही मेरी ही बहन है। मुझे तो इसके साथ चलने में भी शर्म आती है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी माँ इसे कूड़े के डस्टबिन से उठा कर लाई है। ऐसा कहकर आरोही अपने दोस्तों के साथ काजल का बहुत मजाक उड़ाती है। काजल को आज अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और वो आरोही को एक थप्पड़ मारकर कहती है, आरोही, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है जो तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरा मजाक उड़ा रही हो? वैसे ही मोहल्ले वालों की मुंह से ताने सुन सुनकर मेरा दिमाग वैसे ही खराब रहता है, और ऊपर से तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। क्या तुम्हें एहसास भी है अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद मुझे कितना बुरा लगता होगा? ऐसा कहकर काजल रोते हुए एनुअल फंक्शन छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही को काजल के थप्पड़ का बहुत बुरा लगता है और वो उससे बदला लेने की सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरोही एक प्लान करती है। उस दिन काजल की बच्ची ने मुझे पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा था, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। आइडिया, मैं काजल की बच्ची को जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ दूंगी और उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। आरोही प्लान के अनुसार काजल से कहती है, काजल, मुझे मेरी सहेली ने बताया कि जंगल के उस पार एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है, और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों का कहना है कि वो किसी को भी गोरा और खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ, नहीं तो पैसा वापस। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें उस ब्यूटी पार्लर में ले जाऊं।
आरोही की बात सुनकर एक बार को तो काजल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, परंतु वो खूबसूरत होने की लालच में आकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आरोही और काजल चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी आरोही काजल से कहती है, काजल मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तुम यहीं इस पत्थर पर बैठ जाओ, मैं अभी पास के नदी से पानी पीकर आती हूँ। काजल वहीं पत्थर पर बैठ जाती है और आरोही काजल को वहीं बिठाकर चली जाती है। शाम हो जाती है, परंतु आरोही के वापस ना आने के कारण काजल को चिंता हो जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरी बहन आरोही इतनी देर से पानी पीने के लिए गई हुई है, परंतु अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। मुझे लगता है कि उसे कोई जंगली जानवर मारकर खा गया है। आपने मेरी बहन आरोही को भी नहीं बख्शा। काजल ऐसा कहकर रो रही थी कि तभी काजल को एक रोता हुआ शेर नजर आता है, जिसकी पूंछ एक पत्थर से दबी हुई थी और वो बहुत तड़प रहा था। काजल तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना उस शेर के पास जाती है और उसकी पूंछ के ऊपर से वो पत्थर हटा देती है। काजल के पत्थर हटाते ही वो शेर एक परी में बदल जाता है और परी कहती है, काजल मैंने तुम्हारी सभी बातें सुनी हैं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम यहाँ बैठकर रो रही थी, परंतु तुमने जैसे ही मुझे परेशान देखा तुम अपने सभी दुख भूल गई और तुमने मेरी सहायता करी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन आरोही को किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा है, बल्कि वो तुम्हें इस घने जंगल में छोड़कर घर चली गई है। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से काजल के घर का दृश्य दिखाती है, जिसमें आरोही अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। ये देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, जो लड़की हर किसी की सहायता करती है, मैं उस लड़की को रोते हुए देख नहीं सकती। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये लहंगे कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि परी लोग के जादुई 8 अजूबे लहंगे हैं। तुम इन जादुई 8 अजूबे लहंगों से अपने रहने के लिए एक बड़ा घर और अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी मांग सकती हो। परंतु काजल याद रखना कि ये 8 लहंगे कभी किसी लालची और स्वार्थी लड़की की सहायता नहीं करती। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। इस तरह वो परी काजल को वो जादुई 8 अजूबे लहंगे देकर वहाँ से गायब हो जाती है। काजल उन 8 लहंगे को लेकर एक खाली स्थान पर पहुँच जाती है और उन 8 लहंगों से अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर मांगती है। काजल के इतना कहते ही वहाँ एक बहुत बड़ा घर प्रकट हो जाता है। काजल वो घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद काजल उस विशाल घर में चली जाती है। अंदर जाकर काजल देखती है कि उस घर के अंदर खाने पीने की तरह तरह की चीजें रखी हुई है और पहनने के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे और सजने सवरने के लिए मेकअप किट भी रखे हुए हैं। काजल वहां रखे लहंगों में से एक लहंगा पहन लेती है। काजल के लहंगा पहनते ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को शीशे में देखकर काजल बहुत खुश होती है और वो मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। और उस दिन के बाद काजल उन जादुई 8 अजूबे लहंगों की मदद से खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा खाना मांगती और पहनने के लिए नए नए कपड़े मांगती। और उस दिन के बाद से काजल उस बड़े से घर में हंसी खुशी से रहने लग जाती है। श्वेता के जादुई हाथों का जादू। बहुत समय पहले की बात है, केशवपुर गांव में श्वेता नाम की एक सावली लड़की रहती थी, जिसे मेकअप करने का बहुत शौक था और वो बहुत ही लाजवाब खाना बनाती थी, जैसे उसके हाथों में जादू हो। ऐसे ही एक दिन केशवपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन के एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसे सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। श्वेता इतनी खुश होती है कि एडवर्टाइजमेंट सुनते ही अपनी माँ को सब कुछ बताती है और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपनी दोस्तों के साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, जहाँ से वो अपने कुछ पैसों में से 2 जोड़ी अच्छी और सुंदर पार्टी वियर ड्रेस खरीदती है और मेकअप किट खरीद लेती है। लगता है इस बार पूरे मोहल्ले से तुम ही जीतोगी।
मुझे तो मेकअप करने का शौक है, पर मुझे इस पार्टी वियर ड्रेस के साथ हील्स पर चलना फिरना नहीं आता। तो चिंता मत कर श्वेता, तेरा तो मेकअप देखकर ही लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे और तुझे ही ब्यूटी कॉम्पिटिशन में विनर का अवार्ड मिलेगा। जो चीज तुझे नहीं आती वो मैं तुझे सिखा दूंगी। मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर श्वेता अपने दोस्त से हील पहनकर चलना सीखती है और घंटों रिहर्सल करने के बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती है। देखो तो खामखा ही डर रही थी, तूने तो कुछ घंटे रिहर्सल करके चलना भी सीख लिया, पर अब सिर्फ तुझे ड्रेस के साथ चलना सीखना होगा। फिर तो अपने मेकअप, अपने ड्रेस और अपने हील्स के साथ एक परफेक्ट वॉक कर पाएगी। तेरी परफेक्ट वॉक देखकर कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा कि ये हमारी श्वेता है। आज तू नहीं होती तो कौन करता मेरी इतनी मदद। मैं तेरा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, दोस्तों में कैसे शुक्रिया अदा करना। शाम का वक्त हो जाता है और श्वेता की दोस्त अपने घर चली जाती है और श्वेता अकेले ही अपने घर में हिल्स में चलने की प्रैक्टिस करती है और अचानक से गिर जाती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चला भी नहीं जाता। अगले दिन जब श्वेता की दोस्त श्वेता के घर आती है तो उसके पैर में पट्टी बंधी देख कहती है, अरे श्वेता ये तुमने क्या कर लिया, तुम्हें अकेले प्रैक्टिस करने के लिए किसने कहा था। यार ये सब क्या हो गया, अब मैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन कैसे जीतूंगी, मेरा तो पैर ही मुड़ गया। इतना कहकर श्वेता जोर जोर से रोने लगती है। श्वेता को ऐसी हालत में देख श्वेता की दोस्त उसे आराम करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। श्वेता की माँ कई दिनों तक श्वेता के पैरों में मालिश करती है, तरह तरह के लिए उस पर लेप लगाती है, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं होता और कॉम्पिटिशन की डेट भी नजदीक आ गई थी और अगले दिन कॉम्पिटिशन होता है और श्वेता इसी तरह चलकर कॉम्पिटिशन में पहुंच जाती है और ऐसी ही ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और उस कॉम्पिटिशन में दूर दूर से आई हुई सुंदर सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। सबके बीच में लंगड़ाती हुई श्वेता हार जाती है और ये हार उसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो घर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बेटी को रोता हुआ देख उसकी माँ से रहा नहीं जाता और वो कहती है, श्वेता बेटा ये तो हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि हार जीत तो होती रहती है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन अब की बार जो कॉम्पिटिशन होगा तुम उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना और अब सब कुछ भूल जाओ और खुशी से रहो। जी माँ। श्वेता अपनी माँ को हाँ तो कह देती है लेकिन वो मन ही मन परेशान होती है और कुछ दिनों तक श्वेता की माँ श्वेता के पैरों की मालिश करती है, जिससे वो कुछ दिनों बाद अच्छे से चलने लगती है। श्वेता इतनी खुश होती है तभी उसके ताई उसके लिए एक रोहित नाम के लड़के का रिश्ता लेकर उसके घर आती है और कहती है, और बताओ श्वेता की माँ कैसी हो, मैंने हमारी श्वेता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, उसका नाम रोहित है और वो मेरे जान पहचान का लड़का है, वो बहुत ही समझदार और अच्छे घराने से है, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसकी अच्छी जॉब भी लगी हुई है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे कॉल पर बता देना। हाँ हाँ मैं भी सोच रही थी कि श्वेता के लिए लड़का देखना शुरू करूँ। अब आप बता रही हो तो आप लड़के वाले को हमारे घर भेज दीजिएगा। अगले दिन रोहित अपने माता पिता के साथ श्वेता के घर श्वेता को देखने के लिए आता है। रोहित की माँ श्वेता का घर देखकर और उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और श्वेता की माँ श्वेता को चाय देने के लिए बुलाती है और जैसे ही श्वेता चाय देने आती है कि तभी लड़के की माँ कहती है, तुम्हारी लड़की कामकाज में तो अच्छी है लेकिन इसका रंग मेरे बेटे से सांवला है, लेकिन मुझे तुम्हारी लड़की अच्छी लगी और ये रिश्ता मैं तय करती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी बात की देरी नहीं चाहिए, मैं एक महीने के बाद इस शादी की तारीख पक्की करती हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं और ठीक एक महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। श्वेता शादी के बाद अपनी सास को बहुत अच्छे से रखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो अपनी माँ को रखती थी। श्वेता अपनी सास की हर फरमाइश पूरी करती है और इसी तरह सभी खुशी खुशी रह रहे होते हैं
कि एक दिन पड़ोस में रहने वाली बबीता अपनी बहू के साथ श्वेता के ससुराल आती है और कहती है, सुना है तुम्हारी बहू सावली है लेकिन बहुत कामकाजी है। हाँ, मेरी बहू सावली जरूर है लेकिन वो हर काम बहुत समझदारी और तरीके के साथ करती है। श्वेता की सास और साथ में रह रही पड़ोसन बबीता दोनों ही आपस में अपनी बहुओं का कंपटीशन लगा देती है और ऐसी ही बबीता बातों बातों में उनके गांव में होने वाले कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और श्वेता की सास कंपटीशन के लिए श्वेता से बिना पूछे हाँ कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद कंपटीशन होता है। दोनों सास अपनी अपनी बहुओं के साथ कंपटीशन वाले दिन पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि दूर दूर से काफी प्रोफेशनल लड़कियां भी आई होती है और सभी लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन करा रही होती है। ये देखकर दोनों बहुएं अपना भी रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है और सभी अपने अपने कंपटीशन को समय से पहले पूरा करने में लग जाते हैं कि तभी समय पूरा होने की अनाउंसमेंट होती है और सभी को रोक दिया जाता है। पास में खड़े सभी जज एक एक करके सबका खाना चेक करते हैं और फिर बबीता की बहू का भी खाना चेक करते हैं और श्वेता का भी खाना चेक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डिस्कशन के लिए चले जाते हैं और फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन खास प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है लेकिन गांव में हो रहे इस कंपटीशन में सभी ने बहुत खुशी से इसमें पार्टिसिपेट किया जिसके चलते मैंने सभी का बनाया हुआ पकवान चेक किया और मुझे सबका बनाया हुआ पकवान अच्छा लगा। लेकिन आप सब में से एक श्वेता का पकवान मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं श्वेता को अवार्ड देना चाहता हूँ और साथ में 5 लाख रुपए नगद देना चाहता हूँ। श्वेता के जीत जाने के बाद बबीता और बबीता की बहू दोनों ही वहाँ से चिढ़कर चली जाती हैं और श्वेता अपनी जीत की खुशी अपनी सास और अपने पति के साथ बांटती है और सास बहू दोनों ही बहुत खुश होती है और श्वेता अपनी ट्रॉफी अपने पति रोहित को दे देती है और नगर में मिला हुआ पैसा अपनी सास को दे देती है और इस तरह सभी खुशी खुशी अपनी जीत को एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ श्वेता अपनी माँ को अपने कुकिंग कंपटीशन में जीतने की खुशखबरी सुनाती है और दोनों बहुत खुश होती हैं।